चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसका इस भी श्रेणी का योग निकालना है। देखिए यहाँ देखिए प्रोडक्ट कर के रूप में है, दो दो है ना, दो श्रेणी देख रहे हैं इसमें, इसमें दो तरह की है। एक देखिए यहाँ देखिए 3, 6, 9 ये सब, ये भी गया कहाँ तक, एन टर्म्स तक, ठीक है। ये आपको एपी में दिख रहा है ना, एपी में है, देख रहा है ना, ये एपी में है। अच्छा दूसरा भी देख लीजिए, 8, 11, 14 हर एक का दूसरा पद भी लेके चलते हैं, तो ये भी एन टर्म्स तक गया है और ये भी किस में है, एपी में है, एपी में है। तो यहां लिख सकते हैं कि दी गई श्रेणी का एनवा पद देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पे एनवा पद। तो यहाँ एन बराबर एक बार इस श्रेणी के लिए हो जाएगा, आई इंटू में इस श्रेणी के लिए हो जाएगा, क्योंकि हर एक दो दो को इंटू के रूप में ले गया है ना, तो उसी तरह लगा देंगे। ए यानी कि 3 + n-1 इंटू डी के जगह पे क्या होगा, तो 6 में से 3 गया 3, ठीक है। और इंटू यहाँ देखिए ए के जगह पे है 8 + n-1 इंटू डी के जगह पे क्या, तो ये भी घटेगा तो 3 ही आएगा, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए यहाँ इंटू करते हैं, सॉल्व करते हैं अंदर, 3n-3 चलिए यहाँ देखिए 8 + 3n-3 ये तो कट जाएगा, यानी कि यहाँ से एन बराबर हो जाएगा 3n ब्रैकेट के अंदर 3n और यहाँ ये घटेगा तो प्लस में 5। अच्छा आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो दो दो इंटू में है, आप दोनों को अलग अलग लेके यहाँ पे ऐसे कैसे दिखा दे रहे हैं, है ना। देखिए आप यहाँ 1 रखेंगे इनके जगह, तो देखिए 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 × 3 = 3, 5 = 8 तो देखिए तो 3 × 8 इंटू में नहीं आ जा रहा है। 2 रखिएगा तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 रखिएगा तो 3 × 2 = 6, 5 = 11 हो जा रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, या इसी फॉर्म में ना ये चल रहा है आगे तक, तो इसी का योग निकाल। अच्छा इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9n² + 15n, यही ना होगा। चलिए अब हम लोग Sn का मान निकालते हैं, Sn बराबर क्या होता है, सिग्मा An, यानी कि हो जाएगा सिग्मा 9n² + 15n। चलिए अलग अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा 9 σn² + 15 σn, यही ना होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसके बाद एन स्क्वायर का मान हम लोग तो जानते ही हैं क्या होता है, सिग्मा एन स्क्वायर का मान, तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n + 1/6 + 15 सिग्मा एन का क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1/2, यही ना। यहाँ काट सकते हैं 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 कॉमन दिख रहा है क्या दोनों में, तो एन इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा 3 ब्रैकेट में बचेगा आपका 2n + 1, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा तो सिर्फ 15, ये ना बचेगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2 देखिए ब्रैकेट के अंदर 3 × 6n और प्लस में 3 + 15, ये ना होगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो एस एन बराबर अब यहाँ से हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1, अच्छा यहाँ हो जाएगा 6n प्लस में 18, 6 कॉमन दिख रहा है उसमें, तो चलिए वहां से 6 कॉमन कर लेते हैं, तो Sn बराबर हो जाएगा 6 × n n + 1 और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा n + 3, 6 कॉमन हो गया, चलिए और बटा में 2, इसको काट देंगे 3 बार में, यहां से योग आ गया 3n ब्रैकेट में n + 1 × n + 3, क्लियर है। चलते अगले